फ्रेंड्स, नमस्कार। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ ये छोटी छोटी बुनाई का डिज़ाइन। इस बुनाई के डिज़ाइन को आप किसी भी स्वेटर में डाल सकते हैं, बच्चों के, बड़ों के, लेडीज़ कार्डिगन में, जेंट्स में, बेबी फ्रॉक इत्यादि में आप इस डिज़ाइन को डाल सकते हैं। ये सीधी साइड है, ये देखें इस तरह से दिखेगा सीधी साइड से, और ये रही इसकी उल्टी साइड। टोटल हमारा डिज़ाइन ये 8 सिलाई में बनकर कंप्लीट होगा। आपने 8 सिलाई को बार बार रिपीट करना है, तो इस तरह से आपका डिज़ाइन बनता जाएगा। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपने 6 के हिसाब से फंदे लेने हैं। जैसे 6 फंदे यहाँ गिन लिए आपने सिलाई में, फिर से 6 गिन लिए, फिर से 6, फिर से 6, फिर से 6, ऐसे ही 6 6 करते जाएंगे, और लास्ट में आपके ये 5 फंदे एक्स्ट्रा होने चाहिए। आपका डिज़ाइन किसी भी स्वेटर में एडजस्ट हो जाएगा। ये देखिए बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन है, ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। और इसे मैंने बनाने के लिए 10 नंबर की सिलाई यूज़ की है। अगर आपकी ऊन मोटी है तो आपने 9 नंबर की सिलाई में बनाना है। आइए बनाते हैं इस डिज़ाइन। यहाँ देखें मैंने 6 फंदे डाले हैं, फिर से 6, दो बार हमारा डिज़ाइन बनेगा, और लास्ट में 5 फंदे एक्स्ट्रा लिए हैं। तो इसमें टोटल मैंने 17 फंदे लिए हैं, 6 के गुणा करके 12, 6 दूने 12, और जमा 5 फंदे एक्स्ट्रा लिए हैं डिज़ाइन को एडजस्ट करने के लिए। एक हमारा एज फंदा इस साइड रहेगा एक्स्ट्रा, और एक इस साइड रहेगा लास्ट में, 3 फंदे डिजाइन को इक्वल करने के लिए। आइए बनाते हैं इस डिजाइन को। पहला फंदा उतारेंगे, सीधी साइड से इस डिजाइन को बनाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा बिना बुना उतारेंगे, धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3। ये देखें एज को छोड़ के हमारा ये 6 फंदों का डिज़ाइन बार बार रिपीट करेंगे। इसमें एक फंदा उल्टा बुना, धागा पीछे किया, एक उतारा, धागा आगे करके फिर से उल्टा बुना, 3 फंदे सीधे बुने। रिपीट पैटर्न फिर से देखें, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, और इस फंदे को उतारेंगे बिना बुना, धागा आगे लाएंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3। तो देखें ऐसे ही आपने 6 6 फंदों को रिपीट करते जाना है बार बार। जो फंदा हमारा स्टिचिंग में आता है, एक यहाँ रखा है शुरुआत में, एक लास्ट में रखा है, 3 फंदे बुनाई को एडजस्ट करने के लिए। धागा आगे लाएंगे, ये एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे, एक उतारेंगे, धागा आगे, एक उल्टा बुनेंगे। लास्ट का हमारा फंदा स्टिचिंग का होता है, इसे सीधा बना लेंगे। ये हमारे एक्स्ट्रा फंदे होते हैं, एक शुरुआत में, एक लास्ट में। दूसरी सिलाई में आप यहाँ समझ लीजिए, जो फंदे ये उल्टे दिख रहे हैं आपको, ये उल्टा, ये उल्टा, बीच का उतारा है, तो जो उल्टे हैं वो सीधे बनाने हैं, जो उतारा है उसे उतार लेंगे, और ये फंदे जो 3 सीधे हैं इन्हें उल्टा बनाना है। तो देखेंगे दूसरी सिलाई कैसे हमने बनानी है। पहला फंदा उतारेंगे, धागे को पीछे रखेंगे, एक फंदा सीधा, ऊन आगे लाएंगे, ये उतारा हुआ फंदा उतारेंगे, और धागा पीछे करते हुए एक फंदा सीधा, ऊन आगे अपनी साइड, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। यहाँ देखिए एक्स्ट्रा फंदा छोड़ के यही बार बार रिपीट करना है। सीधा बुनेंगे, उतारेंगे, धागा अपनी साइड करके, फिर सीधा बुनेंगे, धागा दूसरी साइड करके, और 3 फंदे उल्टे। फिर से देखिए, धागा पीछे, ये फंदा सीधा, ऊन आगे, उतारे हुए फंदे को उतारेंगे, धागा पीछे, फिर एक फंदा सीधा।
ऊन अपनी तरफ करके तीन फंदे उल्टे, एक दो तीन। यही आपने छह फंदों को बार बार रिपीट करना है। लास्ट में हमारे ये तीन फंदे बचेंगे डिजाइन के, इसमें एक सीधा बुनेंगे, एक उतारेंगे, फिर एक सीधा बुनेंगे। ये लास्ट का एज है हमारा, इसे उल्टा बना लेंगे। दूसरी सिलाई कंप्लीट हो गई है, तीसरी सिलाई सीधी साइड पहला फंदा उतारेंगे। जैसे फर्स्ट रो बनाए हैं वैसे ही बनाएंगे, पहली सिलाई जैसा ही, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करते हुए उतारा, फिर एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, तीन फंदे सीधे, एक दो तीन। यही आपने बार बार रिपीट करना है। फिर से देखें रिपीट पैटर्न, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा उतारा, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, तीन फंदे सीधे। यही बार बार रिपीट करेंगे, छः छः फंदों कट जाए। लास्ट में हमारे तीन फंदे हैं, इसमें एक उल्टा बुनेंगे, एक उतारेंगे, धागा पीछे करना ना भूलें, फिर एक उल्टा, लास्ट का एक्स्ट्रा फंदा सीधा बना लेंगे। तीसरी सिलाई कंप्लीट हो गई है, चौथी सिलाई उल्टी साइड पहला फंदा उतारेंगे। जैसे दूसरी सिलाई बुनी है वैसे ही बनाएंगे, एक फंदा सीधा बुना, उतारा हुआ उतारेंगे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, तीन उल्टे, एक दो तीन। यही आपने बार बार रिपीट करना है। फिर से देखें, एक फंदा सीधा, धागा आगे करेंगे, एक उतारेंगे, धागा पीछे, फिर सीधा, धागा अपनी तरफ, तीन उल्टे, एक दो तीन, बार बार रिपीट करेंगे। यही छह फंदों को, लास्ट में तीन फंदे हैं डिजाइन के, इसमें एक सीधा रहेगा, उतारे हुए को उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे, फिर एक फंदा सीधा, लास्ट का हमारा एज है, इसे उल्टा बना लेंगे। चौथी सिलाई कंप्लीट हो गई है, पांचवी सिलाई सीधी साइड, अब देखें जो हमारे ये तीन फंदे हैं, एक उल्टा बुना है, एक उतारा, एक उल्टा, ये यहाँ रखेंगे, जो तीन सीधे हैं एक उल्टा रखेंगे, इसे उतारेंगे, एक उल्टा, और जो सीधे फंदे हैं ये तीन फंदे यहाँ हो जाएंगे सीधे। पहला फंदा उतारेंगे, पांचवी सिलाई है, तीन फंदे सीधे, एक ये दो तीन, ऊन आगे, ये तीन फंदे देखें सीधे बना रहे थे, वो एक उल्टा रहेगा, धागा पीछे, इस फंदे को उतारेंगे बिना बुना, धागा आगे, एक फंदा उल्टा। देखें एक्स्ट्रा फंदा छोड़ के छह फंदों को बार बार रिपीट करेंगे। फिर से देखें, तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, एक उल्टा, धागा पीछे, इसे उतारेंगे, धागा आगे, एक उल्टा, छह फंदों को बार बार रिपीट करते हुए जाएंगे। लास्ट में हमारे ये तीन फंदे हैं बुनाई के, इन्हें सीधा बुनेंगे और हमारा एज है, इसे भी सीधा बना लेंगे। पांचवी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है, छठी सिलाई उल्टी साइड पहला फंदा उतारा, तीन उल्टे बुनेंगे, ये दो ये तीन, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, ऊन आगे, एक उतारेंगे फंदा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। यही आपने छह फंदों को बार बार रिपीट करना है। फिर से देखें, तीन फंदे उल्टे, एक दो तीन, धागा पीछे, एक सीधा, धागा अपनी तरफ उतारेंगे, एक सीधा, लास्ट में हमारे चार फंदे हैं, तीन ये बुनाई के उल्टे और उल्टी साइड है, तो लास्ट के फंदे को भी उल्टा बना लेंगे। सातवीं सिलाई सीधी साइड, पहला फंदा उतारेंगे बिना बुना,
जैसे पांचवी सिलाई बुनी है वैसे ही बुनेंगे। तीन सीधे बुनेंगे, एक, ये दो, ये तीन, ऊन आगे, एक उल्टा, ऊन पीछे उतारेंगे और एक फंदा ये उल्टा। एक्स्ट्रा फंदा छोड़ के छह फंदों को बार बार इसी तरह से बनाएंगे। फिर से देखें, तीन फंदे सीधे, एक उल्टा, एक उतारेंगे, एक उल्टा, फिर तीन फंदे लास्ट में सीधे। ये हमारा एज है, इसे भी सीधा बना लेंगे। सातवीं सिलाई कंप्लीट हो गई है। आठवीं सिलाई उल्टी साइड, छठी सिलाई जैसा बना लेंगे। पहला फंदा उतारा, तीन उल्टे बुनेंगे, एक, दो, तीन, धागा पीछे, एक सीधा, धागा आगे, इसे उतारेंगे, धागा पीछे, एक सीधा। एक्स्ट्रा फंदा छोड़ के यही छह फंदों को बार बार रिपीट करेंगे। तीन उल्टे, एक, दो, तीन, एक सीधा, एक उतारेंगे, एक सीधा, लास्ट में चार फंदे बचेंगे, तीन उल्टे, और ये उल्टी साइड है तो इसे भी उल्टा बना लेंगे। आठ सिलाई में डिजाइन जो है बन गया है। यही बार बार आपने आठ सिलाई को रिपीट करना है। फिर फर्स्ट रो जैसा स्टार्ट करेंगे, एक फंदा उतारेंगे, एक उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, इसे उतारेंगे, फिर धागा आगे करते हुए उल्टा बुनेंगे, और ये जो तीन फंदे हैं ये सीधे रखेंगे। तो यही आपने आठ सिलाई बार बार रिपीट करनी है। आपका डिजाइन इस तरह से बनता जाएगा। ये देखिए बहुत ही प्यारा सा लग रहा है। जरूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और पास में घंटी का बटन है, जरूर प्रेस करें न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आपको सभी वीडियो जो है टाइम टू टाइम मिल सके। थैंक यू।